हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. कितने साल के हो गए? 22 का हो जाऊंगा. ओके, और क्या खास होने वाला है इस बर्थडे? बहुत स्पेशल है इस बार बर्थडे? नहीं, नॉर्मल है, हर साल जैसा होता है वही होगा. हर साल मैं बॉम्बे में आपका रहता था जब मेरे पूजा पाठ होते थे, मतलब हर साल नहीं, पहले 2-3 साल से बॉम्बे में हूँ, 4-5 साल से एक्चुअली. तो शूट पे होता था या फिर यहीं पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था. अभी थोड़ा वहाँ पे जाऊँगा दिल्ली में, तो दिल्ली में वहाँ के पास जाऊँगा, वो वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. घर पे मम्मी को कुछ बोला है कि मम्मी ये बना ला, मम्मी वो बना? आपको पता है मेरा, एक बार आपने कवर किया था कि मेरे बर्थडे पे हवन होता है, ठीक है. अब वहाँ जाऊँगा मैं तो सुबह से लेकर 4-5 बजे तक तो हवन होगा शाम को. उसके बाद मैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहूँगा कि भाई आप मेरे लिए कुछ खाना बनाओ, ये हो उसका, शांति से उनके साथ बस बैठ जाऊँगा. मेरा वो फालतू के जो ड्रामे होते हैं ना कि ये करना वो करना, हाँ समझ में आता है कि कुछ लोगों को अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना, लेकिन तब जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप बहुत कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं उसके बाद फिर आप थोड़ा नॉर्मली सेलिब्रेट करना चाहेंगे. तो जैसे उनके साथ बैठा रहूँगा, खाना पीना तो वैसे ही बहुत खाता हूँ. जब अपना नॉर्मल जाता हूँ, मतलब भले एक दिन के लिए जा रहा हूँ, 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, भले एक महीने के लिए जा रहा हूँ, तो खाना बाहर से ही खाता हूँ. ऐसा नहीं कि घर का, मम्मी का हाथ का तो रोज़ ही खाता हूँ ना. क्या पसंद है मम्मी के हाथ? 2-4 सब्जियाँ उनके हाथ के बहुत अच्छी लगती हैं. राजमा बहुत अच्छा लगता है, मटर पनीर बहुत अच्छा लगता है उनके हाथ का मेरे को, शाही पनीर भी अच्छा बनाती हैं वो, दम आलू अच्छा बनाती हैं, ये सब मन अच्छा लगता है वो बनाते हैं. बहुत सारे विशेज आए हैं, ये एक कोलाज भेजा है, एक पैन. ये फोटो कैसी लगी आपको? ये मेरे ख्याल से 2007 की फोटोग्राफ है, पृथ्वीराज चौहान के वक्त की, जब आप लोग आए थे तो उस समय पापा भी थे, मम्मी भी थी साथ में, तो आपने दोनों को कैप्चर कर लिया था. सो मैं खुश हूँ, मम्मी खुश लग रही हैं, मुझे अच्छा लगता है. मेरी मम्मी की बहुत प्यारी स्माइल है, मेरे को हमेशा अच्छा ही लगता है जब कोई दिल से कोई गिफ्ट भेजता है. लेकिन मैं अपना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ठीक है आप लोग भेज देते हो, अच्छी बात है, हाँ मतलब इतनी टेंशन ले रहे हो, मेरे पास इतना ही है कि आप लोग देखो शो, खुश रहो. किसी का मतलब क्यों खाना का इतना प्रेशर लेते हो? ठीक है आपको अच्छा लगता है मेरे को भेजना, अच्छी बात है, लेकिन आप बस दिल से दुआएं दो, मुझे इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए. कई सारे कार्ड्स आए हैं, कुछ देखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे? रजत मुझे नहीं पता आपको कौन सा नहीं बात नहीं, वही उसी इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हुए, नहीं इमोशंस की मैं कदर करते हुए मैं सबके साथ आपको देख रहा हूँ. लेकिन वही बात है ना कि बहुत सारे हैं, अब मैं सबको नहीं देख पाऊँगा. लेकिन ऐसा है कि जब आराम से फुर्सत से बैठूँगा तो जाऊँगा, देखूँगा भाई किसी ने कोई कमेंट किया होगा, किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, तो सबको अच्छे से कायदे से. बट इतना है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ओवरवेलम्ड. मैंने नेट पर और सब जगह देखा हुआ है, पता नहीं किसी एक अजीब से बच्चे की फोटोग्राफ डाल के बोल रखा था ये रजत टोकस है. सॉरी मैं इतना बदसूरत नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा औसम था. ये देखो ये मेरे बचपन का फोटोग्राफ है जब मैं 8 या 9 महीने का था, और आप देख सकते हो मैं किस कदर औसमली हंस रहा हूँ. तो मैं शुरू से औसम रहा हूँ और औसम हूँ, और ये फालतू की जो फोटोग्राफ है मुझे अच्छी लगती है. तो आप देखो और खुश रहो, जो बाकी बच्चे का फोटोग्राफ है वो मेरा नहीं है. बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी, इसके सामने दोनों तस्वीरें हैं आपकी, क्या फर्क लग रहा है? इसमें लग रहा है कि अभी तक बाल नहीं आए हैं चेहरे पे, ऐसा लग रहा है जैसे अभी एक बाल नहीं निकला है, मतलब मुझ का एक बाल नहीं आया है इस टाइम पे, जवानी फूटी नहीं है अभी तक. 16-22 एक फैन है जो आपका आया है दूर से, मुंबई से, जो मिलने आया था, यश है. और ये जो है मतलब इन्हें अभी भी लगता है मुझे पृथ्वीराज से मिलना है, पृथ्वीराज से. तो क्या पूछना चाहेंगे? आपके सामने है पृथ्वीराज. रजत भैया आपको पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर पसंद है कि अकबर का? मैंने किया पृथ्वी, रोबिंदो, वीर और अकबर, ये 4 मेरे मेन कैरेक्टर्स हैं जो मैंने किए हैं. मुझे सारे अच्छे लगते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा काम है और मुझे काम अच्छा लगता है. तो काम में मैं कोई सा भी कैरेक्टर करूँगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, कितना ही अलग हो या कितना ही एक जैसा हो, या जो भी है जैसा भी है, मुझे वो अच्छा लगेगा. बिकॉज आई लव माई वर्क, आई डोंट जज माई कैरेक्टर कि या भाई जाहिर सी बात है अगर अच्छा नहीं लगता तो नहीं करता. आप और सहयोगिता कब साथ में देखोगे आप? पता नहीं भाई, वो एक आर्टिस्ट ही है, मैं भी एक आर्टिस्ट था. ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कुछ था या फिर जो भी है जैसा भी है. जानते हैं सब लोग कि वो एक अच्छी दोस्त रही हैं, लेकिन दोस्त के नाम पर उनसे भी मेरी बात नहीं होती है. मैं एक्चुअली किसी से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैं रजत कैसा हूँ, रजत अलग हूँ, अकबर हूँ तब अलग हूँ, रजत अलग हूँ. क्योंकि मैं थोड़ा सा वो शोशागिरी में नहीं पड़ता, मैं ज़्यादा वो थोड़ा सा हाय व्हाट्सअप कैसा वो सब नहीं करता, मैं नॉर्मल बात करता हूँ, हाँ भाई ऐसा है ये वो बस. अच्छा
कैसा लग रहा है फाइनली? वो बेचारा उदास है, वो उदास है, उदास है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे आर्टिस्ट है, सुपरस्टार है, तो सेक्टर भी ऐसे ऐसे बात करेगा, लेकिन कुछ लोग रियलिटी पसंद करते हैं, मैं रियलिटी पसंद करता हूँ। जाहिर सी बात है, काम ख़त्म करने के बाद घर भी है, परिवार भी है, माँ भी हैं, वो हैं, तो उनके लिए मैं जो रजत हूँ तो रजत ही रहूँगा ना। एज एन एक्टर मेरे लिए एक्टिंग में अगर ये कैरेक्टर अलग है तो उस कैरेक्टर को मेरे को अलग करना होगा। तो उसका बेचारे का दिल टूट रखा है, वो जैसे देखा ना जी तो ऐसा आदमी है, तो नो वैसा है ही नहीं, जैसा वैसा होते नहीं है अक्सर, अच्छे एक्टर्स नहीं होते। सोचा था आपने कि रजत कैसा होगा और कैसा लग रहा है आपको रजत? बहुत पसंद आया मुझे, इट्स अ ऑसम फीलिंग। मेरे को समझ में आ गया, वो बहुत मेड अप आंसर था, और मेरे को रियलिटी में एक्चुअली कोई पसंद नहीं करता, मैं भी किसी से बात नहीं करता, मैं भी थोड़ा दूर ही रहता हूँ। कितना खास रिश्ता होगा? 8 साल का रिश्ता है, जाहिर सी बात है खास ही होगा, चाहे कुछ भी हो, 8 साल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, 8 साल से किसी को जानना बहुत बड़ी बात होती है।